हेलो एवरीवन, जो वैकेंसी रिलीज होके आई है आज के डेट में, तो चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी है। तो यहाँ पे गाइस जो वैकेंसी है आप देख पा रहे हैं, इसको हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। तो सिंपली अपनी वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ हमारी वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर हम चेक कर पाएंगे तो ECGC लिमिटेड भर्ती 2022, इसकी वैकेंसी आज के डेट में आई है। यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइस, इसमें जो पोस्ट है 75 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। इसमें योग्यता डिग्री पास प्लस ग्रेजुएशन की डिमांड किया है। इसकी जो सैलरी है वो 65,000 पर मंथ है। आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें मैं डेफिनेटली जो है आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सिंपली जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डेट देख पा रहे हैं कि जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है 21/3/2022 से स्टार्ट हुआ है, जो इसकी लास्टिंग डेट है 20 अप्रैल 2022 तक है। और आपका अगर आप फी पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंटिंग कर सकते हैं 20 अप्रैल 2022 तक लास्टिंग है, वहां तक आप जो है फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हैं। और फिर गाइस जो इसका एग्ज़ाम होगा आपका 29 मई 2022, इसका जो एग्ज़ाम 29 मई को होगा। और एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा यहीं लास्टिंग अप्रैल के या तो मई के फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड जो है रिलीज कर दिया जाएगा। अगर मैं गाइस एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी देखने को मिल जाएगा जनरल OBC EWS के लिए 1180 रुपये है, और SC और ST के लिए 118 रुपये है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए, अगर आप फीमेल हैं तो गाइस आपके लिए या तो हैंडीकैप है। सिंपली गाइस जो है हमारे कमेंट बॉक्स में अक्सर लोग पूछते हैं कि सर हैंडीकैप है तो इसके लिए क्या फ़ी है। तो मैं गाइस आपको बता दूं कि जो फीमेल और हैंडीकैप का जो PH के लिए है जीरो पेमेंटिंग प्रोसेस है। और अगर मैं पेमेंट मोड की बात करूँ तो इसमें जो पेमेंट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें एज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो एज की क्राइटेरिया है 21 से लेकर 30 साल तक है, और डेफिनेटली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर इस एज की कैटेगरी में आते हैं तब। अगर इसमें पोस्ट की बात करूं तो इसमें जो है पोस्ट का जो नेम है प्रोबेशनरी ऑफिसर इन द कार्ड्री ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन ECGC लिमिटेड, 75 पोस्ट है। इसमें जो डिग्री का डिमांड किया है आप देख पा रहे हैं कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, और उसके साथ साथ इसमें जो कर वैकेंसी देखने को मिल जाएगा UR के लिए 34 वैकेंसी आई है, EWS के लिए 7 वैकेंसी आई है, OBC के लिए 13 वैकेंसी आई है, SC के लिए 11 वैकेंसी आई है, पर ST के लिए 10 वैकेंसी आई है। टोटल 75 वैकेंसी आई है। इसमें जैसे कि इसका जो सेंटर कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, इसका सेंटर आपको कानपुर, वाराणसी, पटना, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, इंदौर, नागपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, रायपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, कैम्पटोर, बेंगलोर, कोची, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चंडीगढ़, रांची और जयपुर जो है इसका सेंटर जा सकता है। तो गाइस मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट का नियरेस्ट सेंटर आप चूज कर सकते हैं, तो आपको डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है। और इसमें अगर मैं बात करूं इसके एप्लीकेशन फ़ी के लिए, तो इसमें आपके पास जो है ID प्रूफ वगैरह होना चाहिए, आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, विषय बेसिक डिटेल वगैरह आपको जो फिलअप करना पड़ेगा, और आपका जो है फ़ोटो वगैरह भी पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। तो ये सारे जो है अपने पास डॉक्यूमेंट रख के ही इस फॉर्म को फिलअप करें। ये सारे डॉक्यूमेंट आपका जो है सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए इसमें, क्योंकि वो फॉर्म जो है फिलअप किया जाएगा ऑनलाइन ही इसका ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड आएगा, और इसका जो रिजल्ट रिलीज किया जाएगा ऑनलाइन ही रिजल्ट रिलीज किया जाएगा। और गाइस मैं आपको बता दूँ, इसका अगर फॉर्म को फिलअप करने के लिए मैं अपने कमेंट बॉक्स में या तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से डेफिनेटली आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी क्या वेबसाइट है, इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कर IBPSonline.IBPS.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप डेफिनेटली अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सो गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अगर हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं गाइस आपको बता दूं कि मैं गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन से अपडेट करता रहूँगा। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट और नए टिप्स के साथ। थैंक यू सो मच।